हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आज है 25 सितंबर 2019 और आज की डेट पर जो सहायक शिक्षक विज्ञान और जो वर्ग दो की परीक्षा जो हुई थी, जो 25 अगस्त को हुआ था दो पालियों में, है ना, उसका जो मॉडल आंसर आ चुका है, आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। सी जी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं हूँ और यहाँ पर लिंक मैंने दे दिया है, आप वहाँ से डायरेक्टली जाएँ और वहां से डाउनलोड कर लें। जैसे कि टॉप में देख सकते हैं आप, सहायक शिक्षक विज्ञान विषय EMT संवर्ग SE AT 19 एवं शिक्षक व्यायाम अंग्रेजी जीव विज्ञान गणित एवं कृषि EMT संवर्ग SED T 19 भर्ती परीक्षा 2019 के मॉडल उत्तर जारी करने के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको एक PDF डाउनलोड करने को कहेगा, ठीक है। और PDF मैंने पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ, उसको अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अब मॉडल आंसर आपको डाउनलोड कहाँ से करना है, तो देखिए यहाँ पर मॉडल आंसर एक ब्लू कलर का आइकन दिख रहा है, ठीक है। ये ब्लू कलर के आइकन पर आपको क्लिक करना है, फिर आप मॉडल आंसर वाले पेज पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। पहले मैं आपको उसको करके दिखा देता हूँ, है ना, जिसको मैंने डाउनलोड करके अभी जो प्रपत्र में रखा हुआ है, ठीक। तो जैसे मॉडल आंसर पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ फर्स्ट नंबर पर दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर सहायक शिक्षक का दिया है, EMT संवर्ग का सहायक शिक्षक का जो 25 अगस्त को एग्जाम हुआ था उसका, शिक्षक व्यायाम अंग्रेजी जीव विज्ञान विज्ञान गणित एवं कृषि EMT संवर्ग, देखिए ये नंबर और पहला दूसरा नंबर, ठीक है। और अगर अंग्रेजी माध्यम वाला देखना चाहते हैं तो ये यहाँ पर अंग्रेजी माध्यम के है, ठीक है, शिक्षक अंग्रेजी माध्यम भर्ती का है। तो फिलहाल अभी आज का जो हम बात करेंगे 25 अगस्त वाला, ये जो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का, ठीक है, यहाँ से आप मॉडल आंसर उसका डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। तो देखिए ये PDF को मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, उसको मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट मैंने अभी डाउनलोड किया है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये है, देखिए पूरा प्रेस विज्ञप्ति 25/9/2019 का है ये, ठीक है। मैं सीधे पॉइंट की बात बताता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 25 अगस्त 2019 को इसका एग्जाम हुआ था और इसका दो पालियों में इसका एग्जाम हुआ था, इसके बारे में बताया गया है। अगर देखिए अब मॉडल आंसर देखेंगे आप मैच कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है दावा आपत्ति, ठीक है। अगर किसी अभ्यर्थी को प्रश्न में दावा आपत्ति है तो वो प्रूफ के साथ व्यापम को ईमेल कर सकता है, वहाँ डायरेक्ट जाकर दे सकता है, ठीक है, दावा आपत्ति के लिए, या तो फिर पते पर भेज सकता है स्पीड पोस्ट के द्वारा, ठीक है। देखिए आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रश्न के उत्तर में आपत्ति हो तो निहित प्रारूप में स्वयं उपस्थित होकर, पहला कंडीशन है, या तो डाक के माध्यम से या फिर व्यापम के ईमेल पर कर सकते हैं आप, ठीक है, ईमेल आईडी पर ये भेज सकते हैं, इस ईमेल पर आपको ईमेल करना होगा। साफ प्रमाणित जो भी आप जिस क्वेश्चन में दावा आपत्ति डालेंगे उसको एक फॉर्मेट में बनाकर उस पर डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं, सबसे ईजी तरीका होगा। और उसके लिए कुछ कंडीशन दिए गए हैं कि डेट कब तक करना है, देखिए 30/9/2019, है ना, 30/9/2019 5 बजे तक आपको करना है, इसके बाद अगर करेंगे तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, ठीक। यहाँ पर दावापत्ति को ईमेल में भेजने पर, देखिए यहाँ पर साफ स्पष्ट लिख दिए गए, ईमेल में भेजने पर परीक्षा का नाम ईमेल सब्जेक्ट में, जो ईमेल का जो सब्जेक्ट होता है, जैसे ही हम ईमेल करते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट होता है, वहाँ ये नाम देना पड़ेगा, ठीक है, SE AT 19 या फिर SED T 19, जिसके लिए आप यहाँ जैसे कि दो परीक्षा हुए थे ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा। अंकित करना अनिवार्य है, बिना प्रमाण के एवं बिना नियत प्रारूप में प्राप्त तथा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त दावापत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त दावापत्ति का निराकरण विषय विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और उनके द्वारा दिए गए अंतिम उत्तर के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ दो परीक्षा हुआ था, SE AT 19 और SED T 19, जो सहायक शिक्षक विज्ञान जो हुआ था EMT संवर्ग के लिए वो SE AT 19 है, और जो वर्ग दो वाले जो एग्जाम हुए थे उसके लिए SED T 19 है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। तो जो सब्जेक्ट में लिखेंगे ईमेल करेंगे तो इसमें से अगर सहायक शिक्षक का करना है तो ये T 19 वाला को करना है और इसको DT 19 वाला करना है, अगर वर्ग दो के लिए कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। फिलहाल अभी थोड़ा मॉडल आंसर को आपको मैं दिखा देता हूँ, तो ये मॉडल आंसर वाला पेज में पहुंच चुका हूं मैं। देखिए सहायक शिक्षक पर जैसे मैं क्लिक कर दिया हूं लिंक पर, तो यहां 2.5 MB का लगभग एक PDF डाउनलोड होने वाला है, और सेकेंड नंबर पर शिक्षक जो वर्ग दो का है उसके लिए भी मैं डाउनलोड लिंक पर मैं क्लिक कर दिया हूं, ये भी अब
तो यहाँ जैसे क्लिक किया मैं, यहाँ देखिए यहाँ SEDT मतलब वर्ग दो के लिए जो एग्जामिनेशन हुए थे वहाँ इंग्लिश बायोलॉजी मैथ्स एग्रीकल्चर और व्यायाम शिक्षक के लिए। तो आप जिसके लिए भी डाउनलोड करना चाहते हैं उसके लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट सपोज दैट अगर मैं मैथ का करना चाहता हूँ तो मैं मैथ पर क्लिक करूँगा, और मैथ पर क्लिक करूँगा तो कुछ अभी डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। देखिए मैं डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जो एग्ज़ाम लिखे हैं उस पर मैच कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो निश्चित रूप से आप दावापत्ति कीजिए, ठीक है, और निर्धारित समय तक आपको दावापत्ति कर लेना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सहायक शिक्षक विज्ञान का यहाँ पर ये मॉडल आंसर डाउनलोड हो चुका है, सेट A, सेट B, ठीक है, सेट C और ये सेट D, ओके।